ये फ्लावर टावर मैंने बनाया है, बताइए कैसे लग रहा है। ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट बहुत मुश्किल है, इसको आप स्किप कर दीजिए। इसको बनाने में है ना बहुत मुसीबतें आती है, अभी आपको बताऊंगा इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये कर्व कैसे बनेगा, ये पूरा सर्कल ड्रा कर लीजिए ऐसे, उसमें ये वाला हिस्सा और ये सामने वाला हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ जुड़ेगा तो ये शेप बनेगा। ये देखिए ये करू जो देख रहे हैं ना, ये करू, ये जो करू, ये करू ऐसे बनेगा इन दोनों को ज्वाइन करने से। आपको ऐसे किसी जगह पे ऐसे ड्राइंग करके देखिए, ऐसे प्लाईवुड पे ऐसे ड्राइंग बना के सेम जो अभी शेप दिखाया था मैंने, ऐसे इतनी ड्रिल करनी पड़ेगी, इतनी ड्रिल करना पड़ेगा करके पीछे से ऐसे बोल्ट चढ़ाना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्ट पे 2 फुट का लेके इसके 3 इंच किनारे तक कोई कपड़ा जो है टूसना पड़ेगा आपको, यहाँ तक कपड़ा यहाँ तक घुस जाना चाहिए। घुसने के बाद ऐसा ही एक और कपड़ा टुकड़ा तैयार रख लीजिए, फिर रेत को गर्म करके पेपर वाला मोटे गत्ते का फनल बना के इसमें लगा के उस फनल से जो है रेत इसमें भरना है। आपको ग्लोव पहन के करना पड़ेगा, गार्डन ग्लोव से काम नहीं चलेगा, और रबड़ की होती है वो पिघल जाएगी। ये आपको कपड़े वाला पहनना पड़ेगा, ऊन का या कपड़े का कोई, फिर वो गत्ते का फनल बना के, प्लास्टिक फनल यूज करेंगे तो वो भी पिघल जाएगा, फिर वो फनल लगा करके उसके अंदर रेत गर्मा गर्म आपको डालना पड़ेगा। एक आधा दाना आपके हाथ में भी गिर सकता है। उसके बाद जब रेत ऊपर तक यहाँ तक भर जाए, उसके बाद दूसरा कपड़े का टुकड़ा जो आपने रखा है उसको इसके अंदर टूसाना पड़ेगा, टूसा के दबा दबा के उस कपड़े को टूसा के। ये जो ढांचा दिखाया था ना, रेत भरने के बाद वो जो पाइप आपके हाथ में है वो ऐसे ऐसे हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, ऐसी ऐसे ऐसे लचकदार हो जाएगी पाइप। फिर उस पाइप को गर्मा गर्म हाथ से उठा के ऐसा रखना पड़ेगा इसके अंदर, इसके अंदर ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसा रख के प्रेस करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे प्रेस करके ठंडा होने देना है। इसको ऐसे रख के छोड़ दीजिए, ये वाला शेप बन जाएगा। ये 1 इंच की डिस्टेंस पे ये लगी है, ये पाइप भी 1 इंच का है, पाइप का थिकनेस भी 1 इंच का है। तो ऐसे करेंगे तो ये शेप बनेगा। जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद रेत को गिरा दीजिए, उसके बाद दूसरा पाइप बना लीजिए। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ये वाला ऊपर वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, ये बहुत रिस्की काम है, गर्मा गर्म रेत से काम करना पड़ेगा। यदि रेत ज्यादा गर्म हो गया तो वो पाइप ही पानी की तरह पिघल जाएगी, यदि कम गर्म होगा तो वो बेंडी नहीं होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ज्यादा गर्म है कम गर्म है? तो वो इसके अलावा रेत के अंदर जो एयर गैप रह जाती है, ये देख रहे ना किसी जगह में पिचका हुआ, कि रेत के अंदर जो एयर गैप्स रह जाती है ना, तो उसकी वजह से उस जगह में पिचक जाता है ये। तो इसलिए आप इसको छोड़ ही दीजिए। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला बनाना तो आसान है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ना इसमें इतना झमेला है, आप इसको छोड़ दीजिए। आप यही वाला जो शुरू शुरू में आपने देखा था यही वाला बना दीजिए, यही बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इतना रिस्क का काम मत कीजिए। अच्छा, इसमें ड्रेनेज होल जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको फिट करने से पहले सूट कर रखा है, उसको मैं अलग से जोड़ दूंगा, उसके अंदर आपको ड्रेनेज होल दिख जाएगा कि ड्रेनेज होल कहाँ बना रखा मैंने। अभी मैं आपको पानी डाल के चेक करा देता हूँ। इसमें यहाँ पर पानी डालेंगे, यहाँ पर पानी डालेंगे, यहाँ पर पानी डालेंगे, यहाँ पर पानी डालेंगे, कहीं भी पानी डालेंगे ये सीधा यहाँ से ही निकलेगा पानी। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से ही निकलेगा पानी और कहीं नहीं निकलेगा। और आप इसको ड्राई प्लेस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे सीढ़ियों की लैंडिंग स्पेस होती है, वहां पर पानी सीढ़ियों में गिरेगी तो कोई गिर जाएगा, तो इसलिए नीचे ट्रे रख दीजिए। आप कहीं भी पानी डालिए, ट्रे में ही पानी भरेगा, तो फिर बाद में उसको हटा करके आप फेंक सकते हैं। इसको ड्राई प्लेस में भी आप यूज कर सकते हैं, इसलिए इस ढंग से बनाया कि कहीं इधर से टपके ना, सीधा वहीं पर ही अभी आपको पानी गिरा के दिखाऊंगा। कहीं भी मैं पानी डालूं तो नीचे वाली पाइप से ही पानी आएगा, कहीं इधर उधर पानी नहीं गिरेगा। इसलिए आप इसको ड्राई प्लेस में भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आप पानी नहीं चाहते हैं फर्श पे। अभी ऊपर ले जाकर के इसमें पानी डाल के दिखा देता हूँ, या यहीं पर ही डाल के दिखा देता हूँ। उसके लिए नीचे बाल्टी रखना पड़ेगा। एक काली बाल्टी है ना, मैंने एक मग पानी लिया,
अभी इसमें सब में डाल के दिखाऊंगा, एक मग पानी पूरे के पूरे इसी बाल्टी में आ जाएगी। अब मुझको कुर्सी पे चढ़ना पड़ेगा, ये हाइट ज्यादा हो गया बाल्टी के ऊपर रखने की वजह से। दारू इधर कवर करो जी। तारों में डाल दिया, अब इसमें भी डाल रहा हूँ, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, थोड़ा इसमें भी डाल देता हूँ फिर से। ये इसमें पानी डालेंगे वो तो इधर से गुजर करके यहीं आना है, यहाँ पर मिट्टी होगी। इसमें मैं मॉस रोस लगाऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं लगा रहा। ये कृष्णा की फ्लैट में ले जा करके ना, जब हम मकान शिफ्ट करेंगे उसी गार्डन में लगाऊंगा, उसके बाद ही इसमें मिट्टी भरूंगा। अभी मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ, ये एक बाल्टी पानी, एक मग पानी डाला था, एक मग पानी जो है ना पूरे के पूरे इसमें वापस आ गया हो। देखिए पूरा मग पानी आ गया ना। इसमें ड्रेनेज होल ऊपर से देखने में दिखेगा नहीं, मैं इसको फिट करने से पहले एक वीडियो बना रखा है छोटा सा, उसको इसके साथ जोड़ दूंगा तो उसमें साफ दिख रहा है ड्रेनेज होल काम किया मैंने। अच्छा मैं फिट करके ना, इससे चूड़ी बनती है जिस नंबर का जो चाहिए, इससे चूड़ी बना के फिर उसके बाद ऐसे बोल्ट चढ़ाएंगे तो चढ़ जाएगी। इसी ढंग से सारे बोल्ट जो है इसी ढंग से चढ़ा रखा है, क्योंकि नट तो मैं चढ़ा नहीं सकता, पीछे का हाथ जाएगा नहीं, सिर्फ बोल्ट के बलबूते पे रहेगा, इसलिए चूड़ी बनाना जरूरी है। इसी ढंग से ही सारे नट चढ़ा रखे हैं। वाला पोर्शन जो है इसको स्किप कर दीजिए, आप सिंपली यही बना लीजिए। फिर भी कुछ लोग चाह रहे होंगे कि ऐसी डिश बना लें, उनके लिए एक जरूरी सूचना है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडूट पाइप से बना है, ये बहुत पतला है। इस पतले पाइप पे ड्रिल करके ऐसे चाबी से कसेंगे ना, ऐसा कसेंगे तो ये क्रैक हो जाएगा, इसीलिए 3 इंच का यूपीवीसी का आधा इंच का पाइप को इसके अंदर घुसेड़ के, ये 3 इंच का नहीं है 2 इंच का है, आपको दिखाने के लिए मैं बताने के लिए दिखा रहा हूँ, 3 इंच का पाइप को इसके अंदर घुसेड़ के ऐसे टोक लेना आपने, ऐसे 3 इंच तक इसको टोक लेना है, उसके बाद ही यहां से 1 इंच पे ड्रिल करना है, उसके बाद 1 इंच पे यहाँ पर ड्रिल करना है, और इसके बाद 1 इंच यहाँ भी है। 3 इंच का पाइप ये वाला पाइप घुसेड़ने के बाद ड्रिल करके फिर कसेंगे तो ये क्रैक नहीं होगा, आप जितना मर्जी कस लीजिए ये क्रैक नहीं होगा। इसमें 2 इंच का यूपीवीसी आधा इंच का पाइप काट के इसके अंदर घुसेड़ के फिर छोटा सा जो है वो पेच कस दिया इसमें। ये पेच मैंने इसलिए कसा है, कभी इसको हम उकाड़ते हैं, उसको ऐसे जब उकाड़ते हैं तो ये पाइप इसमें रह जाती है, ये बाहर आ जाता है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए छोटा सा पेच लगा दिया, जब भी खींचेंगे तो ये इसके समेत आ जाएगा, ये लगाने निकालने में आसानी रहती है। भी जाता है। हाँ तू वहाँ क्यों ले गया इसको, उस छत पे कौन ले गया, तू ले गया।